electrostatic potential, electrostatic potential and capacitance, part 8. मतलब लेक्चर नंबर 3 है ये आपका, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस part 8 के बारे में, मतलब लेक्चर नंबर 1। इसमें क्या है, अब तक हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकाला था। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकालने के बाद हमने उसमें डायलैक्ट्रिक स्लैब का प्रेजेंस देखा था। डायलैक्ट्रिक स्लैब के प्रेजेंस के बाद आज हम लोग निकालने वाले हैं एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो याद रखिए कैपेसिटेंस की एनर्जी क्या होगी, दिस इज नथिंग बट दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। एक्चुअली होता क्या है, जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस या किसी कैपेसिटेंस को चार्ज करते हो, जैसे जैसे चार्ज देते जाते हो वैसे वैसे उसमें एनर्जी आती जाए, और दैट एनर्जी स्टोर इनटू द प्लेट और बिटवीन द प्लेट हम कह सकते हैं, और दैट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, द स्टोर एनर्जी बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ पीपीसी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज एंड कैपेसिटेंस, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ पीपीसी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ पीपीसी। ध्यान दीजिएगा, तो होता क्या है, पहले तो हम बात कर लेते हैं इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में। तो हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को हमने P1 P2 दोनों कर दिया होगा। इस प्लेट का एरिया है A और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D है, और इसको आपने कर दिया है एक्सटर्नली चार्ज, ठीक है? आप इसको अर्थ दे देते हो यहाँ से, जैसा कि आप प्रीवियस में करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के बीच में क्या होता है, अर्थिक बीच का सेपरेशन क्या है, अर्थिक बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट इज कैपिटल ई एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज व्हाट डी, क्या बोलते हैं, ठीक है? ये तो हो गया इनके बीच का सेपरेशन, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो डी है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट। हाँ बताना क्या बोल रहे थे, बी इज इक्वल्स टू ई इनटू डी, ठीक है? नोट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 1 and we can say that the capacitance, जैसे इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसके एनर्जी को हमें निकालना है ड्यू टू व्हाट, कैपेसिटेंस। तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, किसका कैपेसिटेंस, पीपीसी का कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी, पीपीसी मींस
and other pet capacitance. What is this? This is epsilon naught A by D. Is it okay? Sahi hai? Ab question number 2 ho gaya. Now we know that. We know that. Kya jante hain pehle se? We know that energy ka formula kya hai? Energy ka formula U is equals to half C V square. Is it okay? तो हम क्या करने वाले हैं इस वाले फॉर्मूले में बेसिक फॉर्मूले में लाकर पुट कर देंगे आप C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A by D और B की जगह पे आप क्या पुट करेंगे E D इसका क्या बोलते हो ठीक है अब यहाँ पे क्या होने वाला है दैट इज U इज इक्वल्स टू हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा E स्क्वायर एक भी कैंसिल हो जाएगा साथ में आ जाता है A इंटू डी ध्यान से देखिएगा बच्चे एक्चुअली ये क्या है ये एनर्जी तो है नो डाउट ये एनर्जी है किसकी बेसिक एनर्जी है लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए ये क्या देख रहे हो ये आप देख रहे हो एरिया दिस इज एरिया ऑफ द प्लेट दिस इज डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट व्हेन एवर वी मल्टीप्लाई ए एंड डी मतलब कि अगर हम एरिया को इस वाले वॉल को इस वाले सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इस कमरे का टोटल क्या आएगा वॉल्यूम आ जाएगा इसका मतलब दैट इज नथिंग बट दिस इज वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉट स्पेस बिटवीन एबीसी स्पेस बिटवीन एबीसी इसकी पूरी स्पेस का क्या है वॉल्यूम दैट मींस वी कैन से दैट द यू इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ होल वॉल्यूम दिस इज यू शोज दैट एनर्जी ऑफ होल स्पेस मतलब ये पीपीसी के होल स्पेस का क्या है एनर्जी होल स्पेस मतलब वॉल्यूम होल स्पेस का क्या है एनर्जी लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि ये तो होल स्पेस की एनर्जी है ठीक है होल स्पेस चाहे जितना भी बड़ा हो हमें नहीं पता ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें पर यूनिट स्पेस की एनर्जी चाहिए पर यूनिट स्पेस पर यूनिट का मतलब क्या है होल स्पेस का मतलब होल वॉल्यूम पर यूनिट स्पेस का कैसे निकलेगा होल वॉल्यूम से क्या कर देंगे हमें डिवाइड कर देंगे होल स्पेस का आपको पता है दिस इज एनर्जी ऑफ होल स्पेस ऑफ पीपीसी हमें पर यूनिट स्पेस का निकालना होगा ठीक है तो आप इसको क्या कहोगे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी It is defined as the energy. Remember that it is defined as the energy at per unit volume of PPC. Per unit volume of PPC or any capacitor whatever. It is defined as the energy at per unit volume of PPC. ठीक है रिमेंबर दैट तो हम करेंगे क्या दैट इज शोज दैट बार यू दैट इज बार स्मॉल यू इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेस दैट इज व्हाट दैट इज टोटल एनर्जी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू ए इनटू डी अपॉन ए इनटू डी ये भी वॉल्यूम तो नाउ दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ठीक है एनर्जी डेंसिटी रिमेंबर दैट एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर यूनिट स्पेस की एनर्जी है क्योंकि सबके लिए फिक्स हो ये हर प्लेट का अलग अलग होगा क्योंकि इसमें एरिया और डी है लेकिन इसमें एरिया और इससे कोई मतलब नहीं है इस सारे सिस्टम के लिए पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी सेम होगी दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन आईआईटी वगैरह में इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है मतलब मेंस के एग्जामिनेशन में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वगैरह के डायमेंशन भी पूछे जाते हैं तो यू शुड फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो आप जरूर निकाल लीजिए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डायमेंशन ठीक है आई थिंक आप निकाल लोगे तो ये जरूर कर लीजिएगा ये स्पेशली आपका काम होगा कि आप इसे निकाल लेंगे ठीक है आप निकाल के आप देख लेंगे ठीक है क्या आने वाला है ये आपका होमवर्क होगा ये आप जरूर करेंगे ये तो हो गया अब डिस्कस करेंगे इसका आप याद से डेंसिटी निकाल लेंगे ठीक है आइए
ब्रेक डाउन पोटेंशियल, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। अब ये ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, ये बात तो हमको समझ में आती है कि हाँ जैसे जैसे हम किसी चार्ज को, किसी स्फीयर को जैसे जैसे चार्ज करते जाएंगे, किसी प्लेट को जैसे जैसे चार्ज करते जाएंगे, तो उस प्लेट का क्या बढ़ता जाता है, पोटेंशियल बढ़ता जाता है। चार्ज करेंगे तो पोटेंशियल एनहांस होगी होगी, लेकिन होता क्या है कि ये जो ब्रेक डाउन पोटेंशियल है वो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये ब्रेक डाउन जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली ये वैल्यू एक्चुअली किसी और की नहीं डाइलेक्ट्रिक पे होती है, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट, हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया किसी प्लेट को चार्ज, ले लीजिए हमने कर दिया इस प्लेट को चार्ज, ठीक है, इस प्लेट को कर दिया चार्ज और इनके बीच में हमने लगा दिया है कोई डाइलेक्ट्रिक, ये हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक ही रिड्यूस करता है किसको, पोटेंशियल को, ठीक है, पोटेंशियल को क्या करता है, रिड्यूस करता है और कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव, यहां पर क्या होगा माइनस, यहां पे होगा प्लस, यहां पे होगा माइनस, यहां पे होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये ऑर्डर माइनस प्लस करके ये ऑर्डर आप सेट कर लीजिएगा, माइनस प्लस ये पूरा सेट कर, ये कुछ और नहीं, दिस इज नथिंग, दिस इज डायरेक्टिव, ठीक है, ओके, ये डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का क्या होता है, डायरेक्टिव वैल्यू होगी क्या होगी, इस प्लेट का नाम हो गया पी वन, इस प्लेट का नाम हो गया पी टू, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसके बीच में भी पोटेंशियल होगा, इसके बीच में भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे अब इनके बीच में भी पोटेंशियल होगा, जैसे जैसे आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, जैसे जैसे आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से बढ़ाने की कोशिश करे, अरे बढ़ेगा कैसे, जैसे जैसे आप इस प्लेट पी1 को चार्ज करोगे तो इस प्लेट पी1 का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के बढ़ते बढ़ते नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होता रहेगा। इससे होता क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एनहांस होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है कि ये अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो आप देख रहे हो बाउंडेड चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से बाउंड है, ठीक है। फील्ड बढ़ने से ये धीरे धीरे क्या होंगे, माइनस सेपरेट होता जाएगा प्लस से, माइनस सेपरेट होता जाएगा प्लस से, ये कुछ इस तरीके का शेप ऑक्यूपाई कर लेंगे, माइनस प्लस से सेपरेट होता जाएगा, माइनस प्लस से सेपरेट होता जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है, ये कब होगा, ये कब होगा जब आप कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनहांस करोगे, जैसे जैसे आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड एनहांस करोगे तो अंदर जो डायपोल के सॉरी डायलेक्ट्रिक के अंदर जो पड़े हुए हैं बाउंडेड चार्ज वो धीरे धीरे क्या होंगे, पोलराइज होंगे, पोलराइज होंगे, पोलराइज होंगे, और पोलराइज होते होते एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, ठीक है, पोटेंशियल तो गिर रहा है इनके बीच में, ठीक है, एक मिनिमम पोटेंशियल, एक ऐसा मिनिमम पोटेंशियल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल गिरता है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है, पोटेंशियल गिरता है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो एक इनके बीच में ऐसा पोटेंशियल होगा जिस पर ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे, और ये जैसे ही ये ब्रेक होने वाले होंगे, ये जैसे ही ब्रेक होने वाले, जैसे इस तरीके से कुछ अलग होने वाला होगा, तो जैसे ही ये अलग हो गया तो डायलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, और डायलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी खो देगा वो क्या बन जाएगा, मेटल के तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब जो डायलेक्ट्रिक पोलर होते हैं, देखिए डायलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, ठीक है। एक पोलर जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें इसमें पीपीसी वगैरह में, कैपेसिटर्स में, वो कैसा इस्तेमाल करेंगे, पोलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाता, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसा इस्तेमाल करें जो पोलर हो। जैसे एग्जांपल, कोई पोलर का एग्जांपल बताइए, पोलर का एग्जांपल जैसे NaCl, उसमें Na प्लस और Cl माइनस बनेगा, वो हो सकता है H2O, वो एक पोलर है। तो हम एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो पोलर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आए और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को क्या करे, रिड्यूस करे। जैसे जैसे पोटेंशियल रिड्यूस होगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। तो हमारी कहानी क्या है, हमारी कहानी यह है कि हम डाइलेक्ट्रिक ऐसा इस्तेमाल करें जो क्या हो, पोलर। अब हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल तो कर लिया, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए वैसे वैसे प्लस और माइनस सेपरेट होते गए, पर एक मिनिमम पोटेंशियल पर क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे ही प्लस और माइनस ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वैसे ही ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो मेटल की तरह बिहेव करेगा। और हम आपको बता दें कि मेटल, अगर हम डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट इस्तेमाल करें तो मेटल एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल को क्या करता है, मेटल एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक नहीं है। क्योंकि आपको हम बता दें कि के वन अपॉन, आपने याद लर्न किया होगा, बी प्रोपोर्शनल टू होता है वन अपॉन के। तो जैसे ही ये मेटल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा कौन, डाइलेक्ट्रिक, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और जैसे ही k की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, इसके बीच में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। जब इसके बीच में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि पोटेंशियल रिड्यूस होना, हम क्या चाहते थे पोटेंशियल रिड्यूस। तो इसके सिरों के बीच में पोटेंशियल अब रिड्यूस ही नहीं होगा, जब पोटेंशियल ही रिड्यूस नहीं होगा, पोटेंशियल इसको कम नहीं कर पाएगा, तो प्रीवियस वाला पोटेंशियल रह जाएगा। प्रीवियस वाला पोटेंशियल का मतलब क्या, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी में ये वी क्या था, वी वन प्लस वी टू था, एक तो एयर वाला दूसरा डाइलेक्ट्रिक वाला, ये वी टू कौन है, डाइलेक्ट्रिक वाला। जब डाइलेक्ट्रिक वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब डाइलेक्ट्रिक वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर अकेला कौन रह जाएगा, वी वन, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम क्या चाहते थे, हम क्या चाहते थे कि डाइलेक्ट्रिक रहे, डाइलेक्ट्रिक रहता है, ठीक है, तो पोटेंशियल रिड्यूस होता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक जैसे ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये मेटल की तरफ बिहेव करेगा, और जैसे ही इसकी प्रेजेंस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो इसके प्रेजेंस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर ये कैपेसिटेंस एज प्रीवियस, ये कैपेसिटेंस एज प्रीवियस जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। मतलब हमें डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हमारी कहानी क्या होनी चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक हम जब इस्तेमाल करें, जब हम डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करें तो ब्रेक डाउन न हो, एग्जैक्टली ब्रेक डाउन न हो। तो ब्रेक डाउन से हमें क्या करना है, बचाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट सब्सटेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, वो डायरेक्ट के बीच में कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द डायरेक्ट सब्सटेंस एट द आयंस बाउंडेड चार्ज एज द बाउंडेड चार्ज डज नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है। आप इसको ये कह सकते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एट द बाउंडेड चार्ज डज नॉट ब्रेक डाउन, मतलब इसमें चार्ज क्या हो, ब्रेक डाउन न हो। तो ब्रेक डाउन होने से पहले, ब्रेक डाउन होने से पहले जो वोल्टेज होगा मिनिमम पोटेंशियल, इसको हम दूसरे इंजन में कह देते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर द ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। याद रखिएगा, ये पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कम ही होगा, दोनों का मतलब सेम है, इसको आप टेंशन देके नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के सिरों के बीच में वह कम से कम पोटेंशियल जिस पर ये
ब्रेक ना हो या ब्रेक होने से पहले तक जो पोटेंशियल होगा वो मिनिमम पोटेंशियल बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक जिसपे वो ब्रेक नहीं हुआ था उसके बाद हुआ था दैट पोटेंशियल अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड ब्रेकडाउन पोटेंशियल. रिमेंबर दैट. एक और टर्म है इसी में जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये भी बड़ा कमाल का है. ये तो आपने क्या सुना, ये तो आपने अभी भी सुना कि ये मिनिमम पोटेंशियल इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक के बीच में मिनिमम पोटेंशियल. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा ही रहता है जो सा टर्म है. क्या ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे क्या बाहर से लगा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके थ्रू लगा रहे हो, एक्सटर्नल प्लेट पी1 और पी2 के थ्रू. जैसे जैसे आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए जा रहे हो तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्लस और माइनस ब्रेक हो रहा है. तो अब यहाँ पे आप इसको बढ़ा रहे हो, अब क्या कम हो रहा था ये, तो ये वो मिनिमम पोटेंशियल है जब वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ था. तो उस मिनिमम को हमने क्या कह दिया, ब्रेक डाउन. और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लगाया, बाहर से. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट इन विच माइनर मतलब बाउंडेड चार्ज कैन बी बियर विदाउट ब्रेकिंग. कैन बी चार्ज कैन बी बियर विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना ब्रेक हुए जब तक वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, डिनाई कर सकता था बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को और चलता रहा, चार्ज होता रहा, तब तक सहन करने के लिए जो एक्सटर्नल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ किसकी हुई, इसकी या इसकी हुई वैल्यू इसकी. ठीक है, ये वैल्यू इसकी हुई डायलेक्ट्रिक की. लेकिन क्या आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, क्या आपने अटेम्प्ट किया, इसको समझ कैसे सकते हैं. एक मान लो हमारे पास कोई कसाब है, ठीक है, कसाब है, कसाब को आपने कोड़े मारे, ठीक है, तो कसाब मान लीजिए कुछ बोलने वाला तो है नहीं वैसे भी, तो आपने कितने कोड़े मारे कि उसने आपको वो बातें नहीं बताई, मतलब उसकी बात उसने बताई दी, ठीक है, मतलब कम से कम वो 10 कोड़े खाने के बाद 10 कोड़े तक तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन 11वें कोड़े में जाकर के बोल दिया. तो 10 जो है वो 10 तक उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया, 11वें में उसने अपने आप को तोड़ दिया और सारी चीजें बोल दिया, ठीक है. तो जो 10 है जो एक्सटर्नल आपने इंपैक्ट डाला, अफेक्ट डाला, दैट 10 इज डायरेक्ट स्ट्रेंथ, उसकी सहन शक्ति कह सकते हो. इतने देर तक तो वो नहीं मानेगा, उतना तो वो जरूर सहन कर लेगा, उसके बाद वो सहन नहीं कर पाएगा अब पूरे खानदान का नाम बता देगा, ठीक है. तो मतलब क्या है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेट, अक्रॉस द प्लेट दैट डायरेक्ट्रिक कैन अवॉइड भी कह सकते हैं, अवॉइड द ब्रेक डाउन ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है. इसका एक रिलेशनशिप फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका रिलेशनशिप फॉर्मूला, तो आप जैसा जानते थे E equals to क्या होता था, E equals to होता था V by D, सेपरेशन वही है प्लेट के बीच का कितना है D, अप्लाई आपने क्या किया E, तो that is E called strength, that is E called strength, और V is called break, ठीक है, ध्यान दीजिएगा E strength is equals to V break upon D. This is the relationship of strength and V break. Where V break is breakdown voltage, E strength is dielectric strength of dielectric, of course, and D is the separation between plate. Remember, बात clear हो गई, ठीक है. तो जितना अच्छा dielectric हो, उतना capacitance strong होगा. तो उसके लिए हमारी कोशिश कैसे करनी चाहिए कि
जो भी डायलेक्ट्रिक इस्तेमाल करे उसका स्ट्रेंथ अच्छी हो और पोटेंशियल कम से कम हो. कौन सा पोटेंशियल? ब्रेकडाउन पोटेंशियल. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर. होता क्या है ना उसे कि आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर. हमने आपसे कहा था कि कैपेसिटर हैज थ्री टाइप्स. कैपेसिटर जो है शेप एंड साइज के बेसिस पर कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स. ठीक है, तो पहला आपने कहा था कि पीपीसी आपके सिलेबस में बहुत डीपली पढ़ना है, वो तो आपको डायलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में डायलेक्ट्रिक हटाहट करके सारे तरीके से पढ़ना है. और टेंशन भी नहीं है क्योंकि जो पीपीसी है वही सब का कॉन्सेप्ट है. सब में दो दो सरफेस होंगे, सब में एक सरफेस किससे? अर्थ से होगा, दूसरा मेन वाला सरफेस किसके साथ होगा? सोर्स के साथ होगा. तो सारी की कहानी एक ही है, बस अंतर क्या है? अंतर है उनके शेप का. ठीक है, जैसे कि हमने बोला था ना कार वाली बात में बोला था कि एक बड़ी महंगी वाली कार हो गई, एक बजट वाली कार हो गई और एक नॉर्मल वाली कार हो गई. तो सबकी कहानी एक ही है, सब में इंजन वगैरह लगने हैं, सब में ड्राइवर लगने हैं, सब में मेटल बॉडी रहती है. तो सारी की कहानी क्या? शेप की. शेप की, किसी की काफी शेप नीचे होती है, काफी शेप ऊपर होती है, किसी का जो डोर होता है वो अपर सेक्शन में खुलता है बर्ड्स की तरफ. तो नॉर्मल सी बात है, सबका शेप अलग अलग होता है. ऐसे ही हम एक केस और बताने जा रहे हैं. ठीक है, मतलब एक और स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, मतलब कैपेसिटर के बारे में बात करने जा रहे हैं. और ये कैपेसिटर आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, मतलब कि आपके क्वेश्चंस में है. तो हम बात करेंगे यार सेकंड कैपेसिटर की, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर. बहुत ही कमाल का है, लेकिन उतना यूज में नहीं होता है, लेकिन ये भी कैपेसिटर है. ठीक है, तो आइए इसको कैसे करें. तो एक काम करते हैं, पहले तो एक मेन सेक्शन ले लेते हैं. इस मेन सेक्शन को, ठीक है, इस मेन सेक्शन को एक कोसेंट्रिक एक और सेक्शन के साथ फिट कर लेते हैं. एक और, अब होता क्या है कि आपने मेन वाले स्फीयर को एक दो रेडियस है, दोनों कोसेंट्रिक है. एक स्फीयर को इन साइड वाले को जो रेडियस में स्मॉल है, इस वाले का रेडियस आप मेंशन कर लीजिए R1 और बड़े वाले का रेडियस मेंशन कर लीजिए क्या? R2. ध्यान दीजिएगा दोनों स्फीयर है. इससे बहुत सारे केसेस और भी हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए. ठीक है, छोटे वाले और बड़े वाले का क्या सेम है? सेंटर सेम है, कोसेंट्रिक है. छोटे वाले का रेडियस क्या है? R1 है. बड़े वाले का रेडियस क्या है? R2 है. छोटे वाले को किससे आपने जोड़ दिया? सोर्स से. जैसे ही आपने इसको सोर्स से जोड़ दिया तो इसका इनर सर्फेस क्या हो जाएगा? बोलो इनर सर्फेस क्या हो जाएगा? चार्ज. तो इनर सर्फेस चार्ज हो गया. जैसे ही इनर सर्फेस चार्ज होगा तो आप इनर सर्फेस को जितना चार्ज दोगे इंडक्शन के थ्रू इधर भी उतना ही चार्ज जाएगा. क्या बोलते हैं इंडक्शन? क्या कहता है कि इधर भी उतना ही चार्ज जाएगा. ठीक है, तो इधर अगर नेगेटिव चार्ज है, क्या हमने बड़े वाले को छोटे वाले के साथ कॉन्टेक्ट में लाया था? नहीं. बड़े वाला कहानी अलग है, वो उसके साथ है नहीं. यहाँ छेद होता है, ये निकल जाता है, ये इसकी कॉन्टेक्ट में नहीं होता. इसको आप इसको साथ में मत लीजिएगा. इस तरीके से होता है कि साथ में होगा लेकिन इसके कॉन्टेक्ट में होगा. तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो बाहर वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज को हटाने का रास्ता जानते हैं. कैसे हटाते हैं पॉजिटिव चार्ज को? क्या देखिए, अर्थ देकर. भूल गया मतलब अर्थ देकर के क्या हटा देते हो? पॉजिटिव चार्ज हटा देते हो. तो इससे फायदा क्या मिलता है विकास पॉजिटिव चार्ज हटाने से? पॉजिटिव चार्ज हटाने से होता क्या है? याद है 100 प्लस माइनस 40 प्लस 30 याद है? हमने प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 5th में बताया था कि 5th या 6th में था, आपने देखा होगा कि पोटेंशियल को रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके आउटर रीजन को किससे जोड़ दो? अर्थ दे दो. अर्थ होने से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस काफी कम हो जाता है, इससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये भी एक आइसोलेटेड स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है. ये भी एक आइसोलेटेड स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है. दोनों के चार्ज का अमाउंट सेम है. मेन हमारा जो स्फीयर है वो है R1 और जो हमारा दूसरा वाला जो स्फीयर है वो R2. अब हम क्या निकालेंगे? दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सोर्स वाला सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा ये सोर्स है. ठीक है, तो पोटेंशियल एट स्मॉल, पोटेंशियल एट स्मॉल स्क्वायर, दैट इज व्हाट R1. तो आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड का मतलब पोटेंशियल इक्वल होगा, सेम होगा.
क्या होगा, वी वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वन, इज इट ओके? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखना बनता है, ठीक है। अब बात करेंगे क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल एट बिगर वन, ठीक है, बिगर स्क्वायर, इसका भी रेडियस सेंटर के थ्रू ही क्या है, लेकिन इसका रेडियस होगा आर टू, इसको पोटेंशियल क्या दोगे वी टू, ठीक है। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन चार्ज सेम होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्यू बाई आर टू, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या नाम देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर टू, बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, आप इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल तो सब कुछ ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, क्यों कॉमन है तो हिंदी बाहर कर लीजिए, ठीक है। अंदर में क्या हो गया, दैट इज वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया पोटेंशियल। इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू माइनस आर वन बटे में आर वन आर टू, मतलब यहाँ पे वी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा वी की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ नाउ अब क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला हमने आपको पहले से बोल के रखा था, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q by V, तो C इज इक्वल्स टू Q by V, V की जगह पे हमारा क्या रखा जाएगा, Q by 4 pi epsilon not R2 minus R1 upon what R1 R2, देखिए क्यों तो कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर क्या जाएगा 4 pi epsilon not, C इज इक्वल्स टू 4 pi epsilon not Q बाई बाई वॉट, एक काम करिए इसको भी टर्न कर दीजिए, इसको भी टर्न कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, क्या बोलते हो, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेंस। एक बात बताइए, क्या इनके बीच में हमने कुछ भरा था, नहीं भरा था ना, मतलब इनके बीच में क्या था, एयर या वैक्यूम था, तो इसको आप क्या लगा दीजिएगा, सी नॉट, सी नॉट क्या बताता है, सी नॉट बताता है कि एक कैपेसिटेंस है वैक्यूम या एयर में। अगर डायलेक्ट्रिक होगा तो क्या होता है, व्हेन डायलेक्ट्रिक आर प्रेजेंट, व्हेन डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूज्ड बिटवीन प्लेट्स, अगर इनके बीच में अगर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन। Now this is the capacitance, ठीक है, presence of dielectric, ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका portion end, ये capacitance याद रखिएगा, इससे पहले हमने जो देखा था वो spherical था, ठीक है, spherical metal था और ये spherical capacitor, ठीक है, यही दोनों हमारे syllabus में है। इसके अलावा एक और पार्ट है जो हम लोगों को numericals में पूछे जाते हैं, वो होता है cylindrical capacitor, वो आपके syllabus में नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसका फॉर्मूला हम बता देंगे, वो आप नोट कर लेंगे, वो आपको काम देगा। तो अभी भी हमने आपसे बोला कि ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर के अलावा एक आपको और टर्म ने कहा कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ना है, लेकिन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उस पर एक्साइटेड क्वेश्चन है, बहुत पढ़ लो, ठीक है, हम आपको फॉर्मूला दिखाते हैं और उसका डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव क्लास में हम लोग करेंगे, क्लियर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का सारा एग्जांपल आपके आसपास ही कहीं दूर नहीं है, ठीक है, सारा आपके आसपास है, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसको आपने इनर और आउटर रीजन से क्या कर दिया है, अलग
ठीक है, इनर साइड का रेडियस और आउटर साइड का रेडियस जो है वो हो जाएगा क्या, इनर साइड का रेडियस और आउटर साइड का रेडियस, यहाँ से आपने इनर साइड का रेडियस ए दे दिया और आउटर साइड का रेडियस क्या दे दिया है, बी दे दिया है। ये सिलेंडर का जो रेडियस है ठीक है वो ए और बी, और लेंथ क्या हो गया एल। इसके आउटर रीजन को आपने किससे कनेक्ट कर दिया है, किससे, अर्थ से, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था ना प्रीवियस सारी कहानियां वही रहेंगी ठीक है। ये दोनों अपर्स कॉन्सेंट्रिक जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इसका हम आपको बता देते हैं फिलहाल अकेडमिक क्लासेस के लिए, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा 2πε0L/log(b/a) एक्सपोनेंट। अब ये एक्सपोनेंट क्या है आपको बता दें कि एक्सपोनेंट इज नथिंग, दिस इज नेचुरल लॉग, क्या कहते हैं एक्सपोनेंट लॉग, एक्सपोनेंट लॉग को हम कहते हैं इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। लॉगरिथम्स ठीक है, याद रखें इस बात को, सिंस लॉग log अगर कोई वैल्यू है हमारे पास log b by a है और बेस e है, तो इसको अगर हमें बेस 10 में बदलना है तो दैट इज 2.303 log बेस 10, बेस जो है वो 10 है b by a, ओके रिमेंबर दैट, सच दैट आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो c इज इक्वल्स टू 2πε0 L, L is length of cylinder, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो 2.30 G log B by A base 10। नंबर ये हो गया आपका सिलेंडर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो हमें लगाने हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है कि L क्या है, L क्या है लेंथ, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर ठीक है, लेंथ है और बी और ए क्या है, बी एंड ए आउटर एंड इनर रेडियाई ठीक है, ओके।